As soon as the budget session of the Chhattisgarh Legislative Assembly began, chaos ensued. BJP MLA Dharam Lal Kaushik raised question about irregularities in rice under the Congress government. He demanded information on the investigation report and expressed dissatisfaction with the response from his own government minister. कि चावल का अफरा तफरी करने के लिए आप लोगों ने इसको बंद किया, जो जांच दुकान की समय पर होनी चाहिए कि चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन, वो चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के कमेटी बनाकर के इसकी जांच करवा लें। एक गरीबों का चावल का मामला है, केंद्र सरकार से चावल आया है, उस चावल को खा रहे हैं, उसकी जाँच हो रही है। अजय जी पूछिए, माननीय मंत्री जी आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है, पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई, जैसा आसंदी का निर्देश था ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से अनियमितता किस तरह से पाई, कौन ने उसको क्लियर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बता दें कि उनके लिए दोषी कौन है, और उनके जो दोषी पाए गए उनके कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, एक, और उसमें आप क्या निर्देश देंगे। हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था आप, यह आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की। 1,385 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया, जितने की आबादी जितना आपने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस परिवार में दो व्यक्ति हैं, जिस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए। 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर, और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख, 3 लाख हेक्टेयर कम छत्तीसगढ़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल के जो किसान जो बेचे उसके रकबा, उसमें जो रकबा है वो कम है। अब सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि पिछले समय 15 लाख था, इस समय 20 क्विंटल करने के बाद उसके बाद फिर 21 क्विंटल कर दिए, तो आपके जो उपार्जित जो धान है वो 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक गया है, लेकिन अभी भी देखिए आप, आपको उत्तर में 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, 26 लाख 63 हज़ार, और 23 लाख 29 हज़ार किसान ही धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय से ये कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है। और चूंकि अभी 4 तारीख तक के आपने समय बढ़ाया, लेकिन उसमें अभी तक के जो सूचना मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं, बहुत सारे किसान अभी धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगे कि ये समय में वृद्धि की जाएगी, जैसे कि मंत्री जी ने कहा भी धान खरीद चल रहा है तो इसे जारी रखेंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी अच्छा। का तारीख समाप्त हो चुका है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया हमारे पास। माननीय अध्यक्ष किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है, किसान अभी तक के धान नहीं बेच पाए हैं, चाहे महासमुंद जिला हो, जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो, बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही है, हमको टोकन नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं है आपके पास। माननीय अध्यक्ष नहीं है, सीधा सीधा बात है, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया पिछले समय से रकबा भी कम है, किसानों की संख्या भी कम है,
और अभी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख तक की घोषणा की, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला, ये भी शिकायत मिली। और टोकन दूसरी तरफ ये हुआ है कि बालो जैसे जिले में 56 जो सोसाइटी, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है माननीय न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।